श्याम प्यारे की। अभी बाहर बातें चल रही थी, अरे 11 को इतनी भीड़ होने लगी, 11 को इतनी भीड़ होने लगी, कई लोग तो ऐसे हैं उन्होंने 11 पे आना ही छोड़ दिया, बोले हम तो 8 दिन जाते हैं जब भीड़ नहीं होती, 8 दिन जाओ, 8 दिन जाते हैं जब भीड़ नहीं होती। मैंने कहा आपके बेटे का जन्मदिन हो वो भी मना लिया करो 8 दिन में, उसमें तो वो तो बुरी से बुरी विषम से आज तो जन्मदिन है। देखो स्थान का समय का आओगे थोड़ा परिश्रम करोगे तो जब हमारी विषम परिस्थिति आएगी ना तो बाबा आएगा, और हम अगर ऐसा सोचते हैं ना आधे दिन तो फिर ये भी आधे दिन ही आएगा भगवान। जानते हैं दीवाने तो दीवाने होते हैं, और ये तो दीवानों की पागलों की महफिल है जो दरबार में, कि जिनका दिल मोहन की चौखट का दीवाना हो गया, इस जहां से दूर उनका आशियाना हो गया, जिनका दिल मोहन चौखट का दीवाना हो गया, इस जहां से दूर उनका आशियाना। अगर हाथ उठाओ बिल्कुल से नीचे, ताली में बजाओ, बगल बगल देखो किसका किसका हाथ नीचे पकड़ के उठा लो, एक भी हाथ नीचे नहीं, बिल्कुल सीधे हाथ, और सब मिलकर कह रहा तालियां बजाकर, क्या बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम। सारा दिन नहीं आए, दूसरे दिन आए, लेकिन उसको तो 10 बजे ऑफिस इसी उम्मीद में बन गया नौकर हमेशा के लिए दरबार। रोज मिलने का प्रभु से, रोज मिलने का प्रभु से ये बहाना हो गया, इस जहां से Hey, 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 hey,
पहुंचेगा नहीं कोई, पक्की बात। दुनिया की बात होगा क्यों, हम अपने काम में लगे, हम अपना आनंद लेंगे और हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं इस बाबा ने हम पे इतनी कृपा कर रखी। आइए, कल अबोर में था मैं पंजाब में, एक प्रेमी मिल गया, बोले आया कमरे में, जैसे सुना भाई जैसे ना, मैंने कहा भाई साहब बातचीत चल गई कितने सालों, इतना ज्यादा हो गया है, हम तो बाबा को बहुत मानते हैं। नहीं नहीं, श्याम बाबा के पिताजी का नाम क्या है, इनका इतिहास क्या है, खाटू का इतिहास क्या है। मैंने कहा भूखे आते हो, मांगते हो उस दातार से, ये झोली भर देता, पेट भरते ही नाम पूछना शुरू कर दिया। प्रेमियों, हम किसी की कंपनी में जाते हैं पैसा मांगने के लिए, हमारा बकाया होता है प्रारब्ध का तो मिलता है, वहां उस कुर्सी पर जो बैठा होता है, जो हमें पैसा देता है कैशियर, उसका नाम कुछ भी हो, हमको ये बताया कि हमको यहाँ आना है, यहाँ से लेना है, हमारा काम हो गया तो हम इतिहास में क्यों जाएं। मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि नए नए जो भोले वाले श्याम प्रेमी बन रहे हैं, बिल्कुल न जाए इन बातों में, बिल्कुल न भटके इधर उधर, आप आओ, आप इसके तरफ देखो बैठकर, आपको हर बात का जवाब यहाँ से मिलेगा, हर बात का। मैं ये भी नहीं कहता मेरी मानो, इसकी मानो, उसकी मानो, किसी की मत मानो, ये लख दाता है, लख के देने वाला, जैसे भावना लेकर आओगे वैसा लेकर जाओगे, ज्यादा पूछताछ करोगे ये किसी दिन इसने इंक्वायरी बैठा दी तब कहां जाओगे। इसने अगर इंक्वायरी बैठा दी, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, उनके पिताजी का क्या नाम है, ये तो अंतर्यामी सब जानता है, इसलिए यहाँ आओ सर झुकाओ, और भीख में जो मिल रहा है ना चोरी छुपे धीरे से उठाओ निकल, ज्यादा इतिहास मत पूछो। आइए एक जोरदार जयकारा, खाटू नरेश की, श्याम प्यारे की, हारे के सहारे की, एक जयकारा मित्र मंडल वाला, दोनों हाथों को उठाकर लंबा सांस खींच कर आग बीच कर, जब तक सांस चले तब तक जय, ये पूरा प्रांगण गूंजना चाहिए, हारे के सहारे की, श्याम प्यारे की, खाटू नरेश की।
वाला कोई नहीं है, नचाने वाला है, यहाँ नचाने वाला है।
मंदिरों में भी चले जाओ, दर्शन करो, बगल में खड़ा नहीं पूछेगा आपसे, वो अपना दर्शन करके गया, आप अपना दर्शन। ये एक खाटू, क्योंकि हम इसको कहते हैं श्याम बाबा। बाबा किसको कहते हैं? बाबा पिता को कहते हैं, और ये बाबा का परिवार है ना। इस परिवार में कोई पराया है नहीं। आप देखो अच्छे अच्छे रिश्ते धरे रह जाते हैं, और श्याम प्रेमी का फोन श्याम प्रेमी को चला जाता है ना। एक महीने वाला होने वाला काम एक मिनट में हो जाता है। ऐसा बाबा हमारा ऐसो तो रंगीलो चलो चंद बजावे ललिता नाचे राधा जी ने धीरे
ज्यादा जोर नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप नहीं नाचोगे साथ में तो हमारे भी मन में रह जाएगी और आपके भी, इसलिए कहा सागे नाच ले सांवरिया मन की मन में रह जासी, सागे नाच ले मर्जी ते तू मालिक तेरी मर्जी को मारो जोर नहीं चाले, मालिक तेरी मर्जी को मारो जोर नहीं चाले। बाबा इतना ही तो सोच, दूर दूर से आयो उड़ाने, 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 अंदर सासी सागे नाच ले, सागे नाच ले सांवरिया मन की मन में रह जासी। ये धमाल की तालियां बजा दो जोरदार। जनरली लोग सोचते हैं धमाल का मतलब सब खड़े हो जाओ और नाचो, 10-5 मिनट 15 मिनट में थक जाओ और फिर समझ लो अपने मन में कि कितना खत्म। ऐसा नहीं है, धमाल हमारे राजस्थान की ऐसी संस्कृति है, एक ताल है और सिर्फ एक